हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए साहिल भाई, ओके जा रहा हूँ, लाइट बीट बंद कर दीजिए। ये इतनी बोतल इधर डाल दीजिए, ये बोतल इधर डालिए इस साइड में। हाँ जाएगी क्या? नहीं तो इधर इस साइड डालिए। ओके आऊँगा फिर मैं। हाँ तो दोस्तों, ये था गेस्ट हाउस से रामपुर के नज़दीक, वहाँ मैं रुका था। और सबको जगवेंचर जी की तरफ से हर हर महादेव। ये देखिए, ये गेस्ट हाउस था, ऋषभ गेस्ट हाउस, न्यू बस स्टैंड रामपुर बुशर के नज़दीक है। ठहरा और डिलक्स कमरे की सुविधा है। ये देखिए, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है 9857300121। दोस्त मैंने बैग रखा है मेरा, सर जी से बात हुई मेरी, मैं जब ट्रैक करके आऊँगा तो मेरे बड़े बैग लेके जाऊँगा। ओके आता हूँ, अभी बस से जाऊँगा जाऊँ की तरफ। 3 दिन में और मैं आपको अभी पूरा रामपुर बस स्टैंड है वो दिखाता हूँ। एक्चुअली बस स्टैंड ऊपर है और ये जो ऋषभ गेस्ट हाउस है वो नीचे था। और ये पहुंच गए हम अभी रामपुर बस स्टैंड। ये देखिए, यहाँ सर आपका पानी बोतल का देने का था, कितना? हाँ ये लीजिए सर। अभी कितने बजे? 8:30 बजे आएगी क्या? 9:30 बजे? 8:30 बाकी पुल तक ना। हाँ 8:30। ओके फिर बाकी पुल तक जाना अच्छा रहेगा पहले। हाँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पूरा रामपुर का बस स्टैंड। अभी 8:30 बजे पहले बाकी पुल तक बस आएगी, बाद में 9:30 बजे की ये आएगी जाओ तक। लेकिन बागी पुल तक जाना भी अच्छा रहेगा, बाद में जाओ तक जा सकते हैं। यहाँ लोकल बस टाइमिंग, लोकल बसेस के डिपार्चर के टाइमिंग यहाँ लिखे हुए हैं। और ये हिमाचल का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बस स्टैंड होगा। ये श्रीखंड महादेव के जो ऑर्गेनाइज़र है, इनका भी यहाँ बैनर लगा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप लगे तो ये नंबर इनके नोट कर सकते हो। ऑल टाइप ट्रैकिंग फैसिलिटीज अराउंड शिवा वैली। श्रीखंड महादेव का जो अपना ट्रैक का रूट है वो वहाँ लिखा है। यहाँ बस के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये ICICI बैंक का ATM है यहाँ। और बहुत सारे छोटे मोटे होटल्स है। अगर आपको सामान रखने को सुरक्षित जगह चाहिए या क्लॉक रूम चाहिए, मतलब आप बैग रख के ट्रिक को जाना चाहते हो, तो यहाँ क्लॉक रूम की भी सुविधा है। मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों ऐसा है, ये रामपुर का बस स्टैंड। सुबह बहुत जल्दी आया था मैं, 3:30 बजे आए थे हम। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी पहाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। और इसमें बसा ये रामपुर बस स्टैंड, तो मैं ठीक से देख नहीं पाया, डायरेक्ट गेस्ट हाउस में निकल गए। और गेस्ट हाउस के बाद अभी आए हम ऊपर। पूरी तरह से फ्रेश तो नहीं लग रहा है क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड और साफ सुथरा ये। ओके तो देखते हैं अभी बस की राह और जाते हैं जाओ की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए, अभी यहाँ रामपुर बस स्टैंड से टिकट काउंटर से
बागी पुल तक का टिकट लिया है हमने, 8:30 बजे ये निकलेगी और बागी पुल से फिर छोटी गाड़ियाँ लगी रही थी, वो बोले फिर आप वहाँ से जाओ तक जा सकते हो। जाओ की गाड़ी सुबह 9:30 बजे है, लेकिन अभी बजे है 8:10, तो जाएंगे निकल के इस गाड़ी से और वहाँ से फिर तुरंत निकलेंगे जाओ की तरफ। ये देखिए ये है बस बागी पुल के लिए, और सारी अलग अलग बसेस यहाँ आपको मिलेगी। आप स्पीति वैली यहाँ से जाना चाहती हो तो ये देखिए, यह है चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, रेकोंगपियो, काजा तक भी शायद बस जाती है यहाँ से। सुबह मैंने नासिक से स्टार्ट किया मुंबई तक, मुंबई सेंट्रल से राजधानी एक्सप्रेस से हम आए दिल्ली, दिल्ली से मेट्रो से फिर आए कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से शिमला तक बस ली, फिर रात को 11 बजे हम आए शिमला, और कल रात को 11 बजे ही लगे तुरंत बस मिली हमको रामपुर की, और 3:30 बजे सुबह आज पहुँचे हम रामपुर, और अभी यहाँ से जाएंगे बागी पुल तक, नहीं तो जाओ तक, देखते हैं जो बस आती है उससे जाएंगे। और आज हर हर महादेव भोलेनाथ जी का नाम लेके श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल जगवेंचर जी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। हर हर महादेव। तो हम आए अर्थ में, पानी बोतल पानी है लेकिन गर्म पानी है, तो पानी तो नहीं दुकान नहीं खुले जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए अभी 11:10 है और हम पहुँचे हैं बागी पुल। आप देख रहे हैं ये है बागी पुल पूरा, और अब यहाँ से हम जाएंगे जाओ की तरफ। ये ऐसी शेयरिंग जीप्स जो आप देख रहे हैं, ऐसी जीप्स यहाँ से जाती है जाओ, श्रीखंड महादेव का जो बेस्ट कैंप है जाओ विलेज, वहाँ तक जाती है। और आप देख सकते हो ये पूरा बागी पुल का बस अड्डा, बहुत ही पहाड़ों से आने वाला ये रास्ता है दोस्तों। अगर आप रामपुर से डायरेक्ट जाओ बस से आते तो भी अच्छा है, और अगर डायरेक्ट बस नहीं मिलती होगी तो आप पहले आओ बागी पुल जहाँ मैं खड़ा हूँ, और बागी पुल से फिर बाद में आओ आप, बाद में जाओ आप जाओ की तरफ। ये जो टैक्सी स्टैंड आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ बागी पुल का, और यहीं से सब गाड़ियाँ जाती हैं जाओ की तरफ। भैया जाओ से फिर आखिरी गाड़ी बागी पुल के लिए कब की रहती शाम तक रहती है, और बागी पुल से बस मिलती फिर रामपुर के लिए शाम को 5:00 बजे। ठीक है, अभी गाड़ी छूट गए हमारी,
भी जाने जा बोले ये देखिए अभी इतनी देर बात की वो कनेक्ट ही नहीं किया था मैंने, और ऐसी शेयरिंग टैक्सी से बैठ के आप जा सकते हैं चाऊ की तरफ। फ्रेंड्स से देखिए अभी बागी पुल से हम आए हैं भाईजान की सवारी में, और ऐसी सवारी 50-50 रुपए से आप बागी पुल से जाओ गांव तक आ सकते हो। तो यहां से अपना ट्रेक स्टार्ट होता है श्रीखंड महादेव का। चलो भाई हर हर महादेव। तो अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं ये जाओ का बम बम भोले भाई। देखिए यहाँ से ऐसे ये टी शर्ट्स वगैरह है यहाँ, और ब्रेकफास्ट करके आप यहाँ से अपना ट्रिक स्टार्ट कर सकते हो। ओके।